मैं ये इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। तो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आपको इस पे कि हथून ताश जो है एक क्रिश्चियन है, और अगर आप नहीं जानते हो तो इन पे बहुत अटैक हुआ है। इन पे इंग्लैंड में रहती है, ये यूके की है। तो यूके को तो जैसे आप जानते ही, वो तो जिहादियों का नंबर वन अड्डा बन गया है। यूके थोड़े अरसे में पाकिस्तानी बन जाना है। वहां के जो मेयर हैं वो खुद मुसलमान, सदी खान, जिन्होंने आते साथ ही जो लड़कियां थी उन बाहर जो बिलबोर्ड लगे होते तो उनपे कपड़े पहनवा दिए थे। तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो ये हथून ताश जिन पे अभी अटैक किया गया है। यूके में एक जगह होती है स्पीकर्स कॉर्नर, जहां पे आप जाकर, और सदियों से रही है वो जगह, काफी डेकेड से वहां पर है। एंड पीपल गो एंड टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। वहां पे वो रिलीजन पे बात करते हैं, एक दूसरे से डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, मगर वायलेंस वहां पे नहीं होता था पहले। ये एक ऐसी जगह दी गई थी इनको कि वेयर पीपल कैन टॉक कम एंड टॉक एंड डिस्कस। मगर लेटली ऑब्वियसली क्योंकि जिहादी पहुंच गए हैं हर जगह, जिहादी जिंदाबाद, जिहादी तो बस जिहादी है, उसका क्या है। तो पहले इन पे अटैक हुआ एक दफा, इस बंदी को धमकियां तो बहुत आती हैं, मगर मैं इनकी एग्जांपल देती हूँ ना, ये इस औरत को देखो, इस शी हैज बॉल्स ऑफ स्टील्स। वो है क्रिश्चियन एंड आई डोंट केयर क्रिश्चियन हो या आप जो भी हो, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि आप जो है सब मेरी तरह बन जाओ या आप सभी अपने देवी देवताओं को मत मानो, आई डोंट केयर। मगर 200+ years, अच्छा तो खैर ये वहां पे थी, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा अब लोगों की टॉलरेंस कम होती जा रही है। ये मैं जातियों में भी देख रही हूँ और ये मैं टूनीज में भी देख रही हूँ। कोई दिन नहीं रहा, कोई दिन नहीं रहा कि आपको इन टूनीज का भी कोई इंसिडेंट आ जाएगा सामने, यू विल सी। क्योंकि जिस तरीके से इनकी हेट्रेड बढ़ रही है ना, जिस तरीके से इनके अंदर से बर्दाश्त कम हो रही है, आप देख लेना। तो खैर उस पे अटैक किया गया था, आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स अगो मुझे एक आया था इनका वीडियो जिसपे बंदे ने इनके मुंह पे पंच किया था। और आई डोंट नो क्या वो मुसलमान था या क्रिश्चियन था, न्यूज़ तो ये आ रही थी कि वो क्रिश्चियन है, मगर अब जो है एक बंदे ने जाकर स्टैब किया इसको, लाइक लिटरली इस बंदी को स्टैब किया है। और मुझे उसकी तस्वीर मेरे ख्याल से इसमें है, खैर एनीवेज तीनों में वो तस्वीर भेज दूंगी आपको, तो वो तस्वीर इसमें ऐड कर देना उस बंदे की, और वो वीडियो भी है ना जो इसका, वो भी मैं ऐड भेज दूंगी ताकि वो आप ऐड कर लो उसमें। आप लोगों ने वो देख ली होगी, हारिस ने वो दिखाई थी वीडियो अर्लियर, तो आप वहां जाके देख सकते हो। मगर इस बंदी के अंदर हिम्मत है इस बंदी के अंदर कि ये फिर भी खड़ी है। लास्ट टाइम भी ये खड़ी थी, जिस बंदे ने इसको पंच किया था इसने उस पर केस भी नहीं किया था। तो यू नो एटलीस्ट मैं इतना दे दूंगी कि इनकी रिलीजन जो है, इनकी क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो है, वो एटलीस्ट उस बंदी को अच्छा सिखा रही है कि उससे पेशेंस से, एंड शी डिडन गो बॉन्कर्स, यानी वो जिहादी नहीं बन गई। एक्सट्रीम तो वो भी है, वो भी बहुत पहले अपना जीसस जीसस करती है, विच इज ओके, करो अपना, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। मगर इस यानी इस लड़की के अंदर इतने बॉल्स हैं, वो जो नामर्द जिसने इसको मारा, ओ माय गॉड, यानी तेरे को तो टट्टे खट्टे करने, एक औरत पे आके, निहत्ती औरत पे आके अटैक किया। तुम लोग ऐसे ही करते हो, तुम लोग वीक हो इस वजह से पिछवाड़े से अटैक करते हो, ओके। और वो भी जिस बंदी के पास खुद कुछ प्रोटेक्शन के लिए था नहीं उस वक्त, यू नो। तो उसके बाद वो क्या नाम है, मोहम्मद हिजाब जी भी आए हैं, उन्होंने क्लियर आउट करने की कोशिश की है कि हाय, अब वही होता है ना कि जब एक मुसलमान कुछ करता है तो पूरी मुसलमान जो कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाता है। हालांकि आई डोंट थिंक कि ज्यादातर जो सेंसिबल मुसलमान है वो इस चीज से एग्री नहीं करेंगे कि इस तरीके से किसी पे अटैक करना चाहिए, या अगर उनसे बर्दाश्त नहीं होती तो वो सुनते नहीं है, वो निकल जाते हैं, दे जस्ट लीव। मगर ये जो बंदा था, अब लोग कह रहे हैं अगेन प्रोपोगेंडा, ये बंदा जिसने इसको अटैक किया है ऑल्सो क्रिश्चियन है, आई डोंट थिंक इट इज, मगर आई एम नॉट टू श्योर कि वो चीज दिख गई है कि नहीं, कि यू नो इफ इट इज और नॉट, इफ इट इज क्रिश्चियन और मुस्लिम। मैं तो कब से कर रही हूँ खालिस्तान को क्रिटिसाइज, हम तो जो बैठ के यहाँ पे जगमीत को हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं, आप पॉइंट क्या प्रूव करना चाह रहे हो विकास, मुझे ये बताइए ना, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, कि आई एम फेवरिंग वन पर्सन एंड नॉट द अदर पर्सन, एंड आई एम स्केर्ड ऑफ वन थिंग एंड आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ द अदर थिंग। तुम मेरे इस पे चढ़ो, समझ में आई ना, आई डोंट गिव अ शिट। खालिस्तानियों पे भी मैं बात कर चुकी हूँ, बन रहा है ना खालिस्तान बीसी में।